दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय द रोज ऑर्किड वर्ल्ड स्कूल पोंटा साहिब। पोंटा साहिब के मुख्य बाजार व सिविल अस्पताल को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग में किए गए अतिक्रमण पर नगर परिषद का डंडा चला है। दिव्य हिमाचल टीवी पर खबर प्रसारित होते ही नगर परिषद हरकत में आई, जिसके बाद व्यापारियों के विरोध बावजूद अतिक्रमण की मुहिम शुरू कर दी गई है। बता दें कि नगर परिषद की टीम मुख्य बाजार और बांगरण चौराहे पर पहुंची और सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दोबारा से सामान आधी सड़क किनारे लगाया गया तो खैर नहीं होगी। रेड़ी फड़ी वालों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि एक जगह अपने लिए सुनिश्चित करें और उसी जगह पर अपनी रेड़ी लगाएं ताकि जाम ना लगे। उधर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अजमेर ठाकुर ने कहा कि उनकी टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है। नहीं, अभी करोगे इसको? साहब ट्रैक्टर कहाँ गया? ट्रैक्टर बुला हुआ है, गट्टे गुट्टे डाल दो उसमें। इसको उसको डाल दो, इसको बराबर ट्रैक्टर बुला रहे, गट्टे गुट्टे सारे ट्रैक्टर में डाल दो। इसको भी अंकल अंदर करो, इसको भी काउंटर को, हाँ काउंटर को अंदर करो इसको। ये उधर कूड़ेदान में डालो, एक सही है। बड़ा अंदर रखेंगे, अंदर किसको सामान को? सारा सामान अंदर रखो। स्कूटर किसका है? ये अंकल जी लिख रहा हूँ, अंकल इसको साइड में लगाओ। कहीं आपने कहाँ रोड पे लगा दिया इसको? तो पता लगा ना जब घर चलाना है कि नहीं। इसको रोड से बाहर करो, अंदर घुस करो। कैसे किस कैसे रोड पे लगा हुआ है इसको? रोड पे हैं इनको, इनको सबको उठा रहे, सबको बोल। हाँ एक बार आएंगे या कितनी बार आएंगे? डेली आएंगे। हाँ कौन से वो बताना, तो रोड पे वो बताओ आप कौन सा रोड पे? हाँ खड़ी मत होनी चाहिए, बड़े अंदर ही करते बोर्ड को, किस दिन के भी अंदर करते। ठीक है बस चलता मन, ऐसे खड़ी नहीं करनी। भैया आपका है मान लो, तो अंदर कर इसको, पकड़ 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 पकड़। आज अंदर करवा रहे हैं, कल उठा के ले जाएंगे। यहाँ पे जनाब एक चौक का मालिक, वहां पे चौक का ना इसको नाले से पीछे कर। तो बोलो कितने लोग भेजने होंगे? पानी जमा रखा है यहाँ पे, पानी भी यार बहुत अंदर। नहीं सेल्फ अभी तो उठाई यार, अगर सेल्फ उठाते ना टूट जाती है सेल्फ आ रही हो। हटाएं जी हटाएं, अंदर करो सामान। आपका तो दुकान इतना बड़ा है यार, मतलब बाहर को ज्यादा ही कुछ बिकता है।
रहने दो ना सर, थोड़ा रहने दो। उधर देखना, उधर कितना सुंदर लग रहा है, उधर साफ साफ सुंदर लग रहा है ना। अभी थोड़ी देर के लिए करा सर, ये तो वहां से तो सब उतार के दिखाया था। नगर परिषद पांडा साहब ने जैसे कि आपको विदित है कि शहर के जहां भी ट्रैफिक्स वगैरह जाम हो रही थी या रेडी फड़ी लगी थी या दुकानदार भाइयों ने अपना दुकान से बाहर सामान रखा हुआ था, वो हमने नगर परिषद ने 3-4 दिन पहले मुस्तैदी करा दी थी, सबको रिक्वेस्ट कर दी थी कि अपना अपना सामान जो है सड़कों से हटा के अपनी दुकानों में रखें और जो अथोराइज रेहड़ियाँ हैं वही जो उनको प्लेस दिए गए हैं वहाँ पे लगाएं। बहुत सी रेहड़ियाँ जो है अनऑथराइज और इस तरह के स्टॉल लोगों ने लगा दिए थे, उसके ऊपर जो है आज नगर परिषद ने अपना एक्शन जो है 2 बजे के बाद शुरू कर दिया है। और पुनः हमने दुकानदार भाइयों से भी अनुरोध किया है कि सड़कों पे कृपया अपना सामान न रखें, दुकान के अंदर रखें ताकि सड़कों में आवागमन ट्रैफिक लोगों को आना जाना सुविधाजनक रहे। और जो रेहड़ियाँ और जो फड़ियाँ ऐसे लगी हुई थी जो अनऑथराइज थी उनके ऊपर एक्शन कंटिन्यू जारी रहेगा और जो अथराइज लोग हैं उनको जो प्लेस दिए गए हैं वहाँ पे रखें। ये कंटिन्यू हमारा जो अतिक्रमण अभियान है जारी रहेगा। थैंक यू। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट।